क्या था? बाबा जी मोबाइल लेके आए थे। कौन साथ वाले? इसलिए मोबाइल से क्या नीचे सिम चल रही थी, मोबाइल कॉल कर रहा था, कॉल ऑन थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, आगे जी आप लोग। अच्छा अभी ये एक और जो है, अभी तक तो जो मैंने आप लोगों के साथ स्लाइड वगैरह शेयर की थी वो हमारे कंप्यूटर साइंस से रेलेवेंट थी, तो जो हमारी प्रॉफ कंप्यूटर साइंस वाली थी उन्हीं से रेलेवेंट थी। अब हमने एक वर्कशॉप हमने अटेंड की थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के साथ, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के साथ एक वर्कशॉप थी हाई इम्पैक्ट फ्रैक्चर जर्नल की। तो वो शेयर करता हूँ मैं आप लोगों के साथ, उसमें भी कुछ चीज़ें अच्छी हैं। तो हाई इम्पैक्ट फ्रैक्चर जर्नल के अंदर पब्लिश के लिए जो है, अच्छा, द ग्रेटेस्ट आइडिया आर वर्थलेस इफ यू कीप देम टू योरसेल्फ। तो ये इसकी मोटिवेशन है कि जितना मर्जी अच्छा आइडिया है उसका कोई फायदा नहीं है अगर वो सिर्फ आपके माइंड में है या सिर्फ आपके पास है, आपने इसको शेयर नहीं किया, आपने इसको पब्लिश नहीं किया। ठीक है जी, तो इफ यू वर्क इज गुड व्हाई कीप इट सीक्रेट, इफ इट इज इट If it was not published, the work is not complete. अगर ये पब्लिश नहीं हुआ तो इसका मतलब ये मुकम्मल नहीं है। ये कुछ पब्लिशिंग की मोटिवेशन की बातें लिखी हुई हैं, अगर ये अच्छा काम है तो फिर इसको सीक्रेट क्यों रखा होगा। ठीक है ना, और अच्छा जी, तो नेक्स्ट जो है
स्टेप ऑफ ऑब्टेनिंग रिसर्च आउटपुट, अब रिसर्च करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड देन इंटरसेप्ट करते हैं। ये आप अपने कैमरे ऑफ कर दें, इसे अच्छा भी। तो रिसर्च डेटा इंफॉर्मेशन यानी एग्जीक्यूशन एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। रिसर्च में तीन चीजें टू बी डिसमिनेटेड बाय पब्लिकेशन, आप कुछ पढ़ते हैं, डेटा का एनालिसिस करते हैं, उसमें से इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं और नया नॉलेज जो है उसमें से निकालते हैं। ठीक है, तो ये मेन चीजें हैं इसमें। हाई इंपैक्ट फैक्टर जर्नल के अंदर आप पब्लिश क्यों करते हैं? फॉर योर पीआईडी, कई जगह पे जो है पीआईडी की रिक्वायरमेंट ही ये है कि आपको जो है इंपैक्ट फैक्टर जर्नल के अंदर जो है वो पब्लिश करना है अपना काम, इसलिए जो है आप ये जो पब्लिश करते हैं। टू गेट हायर साइटेशन पेपर इज वेरी लाइकली टू बी साइटेड, इसकी साइटेशन बढ़े हाई इंपैक्ट फैक्टर में, क्योंकि हाई इंपैक्ट फैक्टर में साइट भी ज्यादा होता है ना, जितना जर्नल अच्छा होगा उतनी साइटेशन बढ़ेगी। जर्नल का अच्छा होने की वजह भी यही है ना कि वो साइट ज्यादा होता है, इसीलिए फिर उसकी मांग भी ज्यादा होती है। फिर कुछ लोगों का जो होता है ना पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए एस्टीम है ना, कुछ लोगों का क्रेज होता है कि जो है ना रिकग्नाइज एज एक्सपर्ट, प्रमोशन, स्कॉलरशिप, अप्रेजल एक्सरसाइजेस, टिकट फॉर मोबिलिटी। टिकट फॉर मोबिलिटी का क्या मतलब है? स्पेशली पब्लिश इन नेचर साइंस आईटी ट्रांजेक्शन, इनमें अगर आपका पेपर छप जाता है ना उसके बाद आप तो आपकी जो है ना ये अच्छे पेपर की वजह से आपकी मोबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आप स्विच करते हैं यूनिवर्सिटी से दूसरी वजह वो तो आपकी रिसर्च की जो है वर्थ देखेंगे ना। अगर आपने यूएस में अप्लाई करना तो वो सबसे पहले क्या देखेंगे, अच्छा आपका काम क्या है। तो अगर अच्छे जर्नल्स के अंदर काम छपा होगा इसका मतलब ये है कि वो कहेंगे ठीक है भाई इनका काम अप टू द मार्क है, तो उसके लिए मोबिलिटी आसान होगी। इंस्टीट्यूशनल क्या है? विजिबिलिटी, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन के अंदर हाई इंपैक्ट फैक्टर में छापने का मतलब यह है कि आपके इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग बढ़ जाए, विजिबिलिटी बढ़ जाए। विजिबिलिटी कैसे कि हाई जर्नल के अंदर यूनिवर्सिटी का नाम आना शुरू हो जाए तो ये विजिबिलिटी बढ़ेगी ना। अच्छा भी, इसके बाद जो आपके पेपर्स या मैन्युस्क्रिप्ट हैं उनकी टाइप्स क्या हैं? ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल हैं, लिटरेचर रिव्यू है, लेटर और नोट्स। ओरिजिनल में क्या है? कंटेंट बेस्ड ऑन प्राइमरी डेटा फ्रॉम ऑथर्स, एक्सपेरिमेंट्स, ओन वर्क, वेरी स्पेसिफिक ऑडियंस कैन बी लिमिटेड। अब ये जो आपका खास मतलब अगर आपका फर्ज किया आपका मशीन लर्निंग का काम है, मशीन लर्निंग में भी और डीप कर जाते हैं, तो जिस टॉपिक पे आपका काम है आपकी ऑडियंस भी वही होगी, सारे लोग नहीं आपके पेपर को पढ़ेंगे, ऑडियंस कम होगी ना, आपके एरिया के लोग ही होंगे, आपका ही काम है वही लोग अट्रैक्ट करेंगे जिन्हें इंटरेस्ट हो गया आपके एरिया से। अब लिटरेचर रिव्यू क्या है? कंपाइलेशन ऑफ अदर वर्क ऑन द सेम टॉपिक एरिया, क्वाइट ब्रॉड, लॉट ऑफ रेफरेंसेस। जो एसएलआर पेपर और लिटरेचर रिव्यू पेपर होते हैं उनकी साइटेशन ज्यादा होती है, वजह ये कि उसके रीडर ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो सारे लोग रीडर हैं जो अभी अपना एरिया सेलेक्ट भी करना चाह रहे हैं तो वो भी इसको रीड कर लेंगे, तो रीड। ठीक है, लेटर नोट्स 1 or 4 पेज शॉर्ट कम्युनिकेशन, ओरिजिनल आइडिया बट येट टू बी डेवलप फुली, फास्ट रिव्यूइंग प्रोसेस। इसके अंदर सिर्फ आइडिया ही होता है, उसको भी डेवलप करना होता है। पब्लिकेशन बेनिफिट्स,
रिव्यू पेपर आर हाईली साइटेड, ये आप लोगों ने पहले भी ये चीज देखी थी कि जो रिव्यू पेपर उनकी साइटेशन ज्यादा होती है, नोट्स की कम होती है, आर्टिकल की और कम होती है। और इनकी लाइफ टाइम भी लॉन्ग होती है, रिव्यू पेपर की 20-20 साल तक चल जाते हैं। और ये जो आपके पास आर्टिकल पेपर होती है, इज माय वर्क पब्लिशेबल, आप अपने आप से क्वेश्चन करेंगे, हैव आई डन समथिंग न्यू एंड इंटरेस्टिंग, इज देयर एनीथिंग चैलेंजिंग इन माय वर्क, कुछ चीज रहते हैं जो चैलेंजिंग हो, इज माय वर्क रिलेटेड टू करंट हॉट टॉपिक, हैव आई प्रोवाइडेड सॉल्यूशन टू डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ये चीजें हैं, इनको ख्याल रखेंगे तो तब आपको अंदाजा हो जाएगा कि मेरा जो काम है वो पब्लिश हो सकता है नहीं हो सकता। अगर इनमें से कोई एक भी चीज है, नया काम है, चैलेंजिंग काम है, हॉट टॉपिक में से है, या आपने कोई सोल्यूशन डिफिकल्ट प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया है, तो इसका मतलब अब आप स्टार्ट कर सकते हैं राइटिंग। इफ नॉट डू सम रीथिंकिंग, अगर नहीं तो फिर आपको दोबारा कुछ सोचना, कंसीडर सबमिटिंग मैन्युस्क्रिप्ट टू लोअर इंपैक्ट फैक्टर, या नहीं तो फिर क्या है किसी लोअर जर्नल के अंदर जिसमें जो कुछ भी हो छप जाएगा, जो कुछ भी हो छप जाएगा। हाई इंपैक्ट फैक्टर के अंदर तो आपको ये चीजें होनी चाहिए, कोई नया काम है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया है, हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक में ये होता है कि अगर काम हल्का भी हो ना, तो क्योंकि टॉपिक हॉट होता है तो इसलिए वो सब ले लेते हैं कि चलो अभी वर्थ बन रही होती है काम की। अच्छा, स्ट्रक्चर जो होता है साइंटिफिक पेपर का, वो इमराड क्या है, इंट्रोडक्शन मेथड रिजल्ट एंड डिस्कशन, इस मॉडल को इमराड कहते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन, व्हाट डू यू अदर डू, व्हाई डिड यू डू इट, ये है व्हाट डिड यू डू, या अदर डू, व्हाई डिड यू डू इट, मेथड क्या, हाउ डिड यू डू इट, रिजल्ट क्या, व्हाट डिड यू फाइंड, एंड में तो ये इसका एप्लीकेशन को पूरा करने के लिए, और डिस्कशन व्हाट डज इट ऑल मीन, इस सारे का मतलब क्या है। ऑफ कोर्स एन आर्टिकल बिगन विद द टाइटल एंड कीवर्ड, द पेपर मस्ट हैव अ क्लियर स्टोरी लाइन। स्टोरी लाइन क्या चीज है, इट शुड हैव वन आर टू सेंट्रल इश्यू दैट यू वांट टू एड्रेस। जैसे अखबार में पढ़ते हैं ना, कोई खबर पढ़ते हैं तो उसकी स्टोरी लाइन होती है कि असल खबर ये है, बाकी तो सारे उसके लवाजमात होते हैं। अखबार पढ़ने के बाद आप जो चीज परसीव करते हैं ना कि अच्छा ये है इस खबर के अंदर, वो उसकी स्टोरी लाइन होती है। वो उसकी क्या होती है, स्टोरी लाइन। Don't cloud the paper with too many issues, until reader become confused. बहुत सारी चीजें जमा नहीं कर देनी, जो मेन सोल्यूशन है आपने उसी के ऊपर फोकस करना है, उसी को आंसर करना है। बहुत सारे टॉपिक्स नहीं छेड़ जाए, ये भी सॉल्व कर दिया, ये भी सॉल्व कर दिया, तो रीडर कंफ्यूज हो जाए। The selected issue become the थीम डायरेक्शन ऑफ द पेपर, तो वो जो इशू है वो आपका पेपर का थीम होगा। बिल्ड द स्टोरी लाइन अराउंड दैट इशू, तो सारी स्टोरी जो है उसी के इर्द गिर्द होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद द हाइपोथेसिस ऑब्जेक्टिव मस्ट बी वेल आर्टिकुलेटेड, हाइपोथेसिस ऑब्जेक्टिव साफ नजर आए, हाइपोथेसिस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारी चीजें क्या है, साफ आर्टिकुलेटेड का मतलब साफ नजर आए। देयर मस्ट बी अ टेक सम मैसेज होम, देयर टेक होम मैसेज, टेक होम मैसेज का क्या मतलब है,
आप कहते जी, फलाह मौलाना साहब की तकरीर सुनी थी जी, बड़ा मजा आया जी, बड़ी जबरदस्त है। अच्छा, उसने कहा क्या? ये नहीं मुझे पता कहा क्या, लेकिन तकरीर बड़ी आला थी। ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कोई मैसेज, टेक होम मैसेज का मतलब पढ़ने के बाद उससे कुछ 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 चीजें, कुछ गेन किए जा सके कि हाँ जी, इसमें हमने इस प्रॉब्लम का सलूशन मिला। ठीक है जी, तो नोबडी इज अ बोर्न राइटर, पैदाइशी राइटर कोई भी नहीं होता। राइटिंग साइंटिफिक आर्टिकल इज अ स्किल, कैन बी एक्वायर्ड बाय प्रैक्टिस। स्किल है ये, ठीक है जी, प्रैक्टिस से इसको जो है आप एक्सेस कर सकते हैं। अब ये देखें, इन्होंने जिस काशिफ इसहाक साहब हैं, वो पाकिस्तानी हैं, जिनका इनके स्टूडेंट हैं, ये जो है ना प्रोफेसर, जैनुल इस्लाम साहब, ये इनके स्टूडेंट ही हैं। अब इनका जो है 8x24 है। अब इस बंदे ने 12 Q1 पेपर ड्यूरिंग PhD, 3 सालों में 12 12 Q1 पेपर पब्लिश किए थे। Q1 पोस्ट डॉक NUS टॉप साइंटिस्ट इन पाकिस्तान, टू पोस्ट डॉक की NUS में, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में, 2018 में टॉप साइंटिस्ट था पाकिस्तान में। ठीक है, और ये इनके स्टूडेंट हैं। ये देखिए जनाब, इन्होंने एन इम्प्रूव प्रैक्टिस स्वाम ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड MPPT फॉर PB विद रिड्यूस स्टेडी स्टेट ऑसिलेशन। काशिफ साहब, जैनुल इस्लाम, मोहम्मद अमजद, ये जो मोहम्मद अमजद है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बावल, तो ये 5 12 मरतबा साइट हो चुका है, ये 2018 छप्पा था जी। ठीक है जी, तो ऐसे पेपर होते हैं। चलिए, हाई इंपैक्ट फैक्टर का फायदा क्या है? फायदा नजर आ रहा है ना, हाई इंपैक्ट फैक्टर में छेड़ देंगे तो का काम भी ऐसे ही होगा। ये जुबैर अहमद है, सरावत कैंपस में, इसका भी देखें 1179 सोलर पावर PV सिस्टम। ठीक है जी, 7 Q1 पेपर ड्यूरिंग हिज PhD, 3.5 ईयर में से की, ऑफर टीचिंग पोस्ट एट सिनबर्न बिफोर ग्रेजुएशन, कंप्लीट करने से पहले ही उसको ऑफर हो गई थी। वो चार्म बता रहे हैं ना कि हाई इंपैक्ट फैक्टर के अंदर अगर छापेंगे तो आपको फिर चार्म क्या है वो क्या नहीं। रतिल एच आशिक, पोस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड यूके, बिकॉज ऑफ टू टॉप पेपर ही सिक्योर पोस्ट डॉक एट शेफील्ड यूनिवर्सिटी बिफोर ग्रेजुएशन। दो अच्छे पेपरों की वजह से इसको पोस्ट डॉक के ऑफर पहले ही आ गई थी। IEEE ट्रांजेक्शन के अंदर इसके पेपर छपे हैं। ठीक है, और इस वजह से क्या है, ए फैमिली ऑफ टू जीरो वोल्टेज जीरो करंट स्विचिंग, ये हाई गेन हाई एफिशिएंसी, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फील्ड है ना ये, तो दो अच्छे पेपर की वजह से इसको पोस्ट डॉक किया। टाइटल ऑफ द आर्टिकल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, लुक ट्रिवियल बट नॉट सो, इट इज समरी एंड एसेंस ऑफ योर पेपर इज नो मोर देन 12 वर्ड, 12 से ज्यादा वर्ड नहीं होंगे। समरी है असल में आपके काम की एसेंस, रूह है, खुशबू, एसेंस।
should be encompassing as well as descriptive. सारे टाइटल में हर चीज जो है वो डिस्क्राइब हो जाती है जो आपने कहा. व्हाई मेक ए गुड टाइटल. अच्छा जी, कंडेंसेस द पेपर कंटेंट इन अ फ्यू वर्ड, कैप्चर द रीडर अटेंशन, शो योर स्पेशलिटी एंड स्ट्रेंथ, डिफरेंशिएट द पेपर फ्रॉम अदर पेपर ऑफ द सेम सब्जेक्ट एरिया. टाइटल ऐसा हो कि वो खुद ब खुद अट्रैक्ट करे, डिफरेंशिएट करे, कंडेंस करे अपने टॉपिक को. यूज सिंपल एंड कंसाइज स्टेटमेंट, यूटिलाइज थिसासरेस टू गेट मोर ऑप्शन फॉर वर्ड्स, बी केयरफुल टू फुली अंडरस्टैंड हाउ द अल्टरनेटिव वर्ड यूज इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट. अब आपने वो अच्छे वर्ड की कलेक्शन तो ले ली, लेकिन उसमें ये भी देखना है कि वर्ड डबल मीनिंग ना देता हो, कंफ्यूज ना करता हो, एरिया को डिस्पर्स ना करता हो. वर्ड की सिलेक्शन में ये चीज ख्याल करनी है. लिस्ट डाउन की वर्ड्स दैट इज सेंट्रल टू द पेपर. की वर्ड्स जो है वो उनको लिस्ट डाउन करें. पेपर के खास खास कीवर्ड्स हैं ना, उनको लिस्ट डाउन करें, वो भी हेल्प करते हैं आपका जो है टाइटल को फॉर्मुलेट करने में. वर्ड काउंट यूज करें. अच्छा, किन चीजों से अवॉइड करना है टाइटल में? रिडंडेंसी नहीं होना. ऑन द डिजाइन ऑफ कैन बी सिंप्लीफाइड टू डिजाइन ऑफ. Building and constructing of a simplified can be said that development of a simplified. Building and constructing and duplication of it. Redundant. एक ही word का double meaning आ गया. Build भी वही करना, construct भी वही करना. तो क्या है? Development of a simplified. Acronym use करना depend on journal. अगर journal allow करता है acronym तो use करना, otherwise नहीं. यानी कुछ journal acronym को allow नहीं करते. तो आप लोगों ने देख लेना है, जब वो जब भी आपने पेपर भेजना होता है ना, तो उस जर्नल की गाइडलाइन देखते हैं, आथर गाइडलाइन, उसमें देखते हैं वो क्या चीज़ अलाउ कर रहा है, क्या चीज़ अलाउ नहीं कर रहा. अगर एक्रोनिम अलाउ कर रहा है तो डालने, अदरवाइज नहीं डालने. अवॉइड वर्ड सच एज नोवेल, न्यू, ओरिजिनल, ये नहीं यूज करना. नोवेल, ये वाली जो स्लाइड है ना, इसमें बड़ी कीमती कीमती चीजें हैं जो हमारी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं. हम लिखते हैं जी न्यू टेक्नोलॉजी, नोवेल अप्रोच, ओरिजिनल वर्क, इस तरह के वर्ड्स नहीं होते जब तक कि वाक्य ये वैसे हों, वरना तो हम हर उसके ऊपर लिख देते जी नोवेल अप्रोच, और होता क्या, वही पुरानी चीज में थोड़ी सी चीज. तो बेस्ट मॉडेस्ट है यूज इम्प्रूव्ड, एक्सटेंडेड, इनकी जगह इम्प्रूव्ड, enhanced, extended, इस तरह के वर्ड यूज करें जो इज्जत रख ले पढ़ने के बाद. जो है ना, पढ़ने के बाद ये ना कि ये कौन सी नोवेलिटी है भाई. तो द इम्प्रूव पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन बेस MPPT फॉर PVV, शो योर स्ट्रेंथ, स्पेशलिटी, ठीक है, सिंपल, फास्ट एंड एक्यूरेट टू डायोड मॉडल फॉर फोटो वोल्टाइक मॉडल, शो योर स्ट्रेंथ. अब ये देखिए स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ क्या है, सिंपल है, फास्ट है और एक्यूरेट है, बाकी जो कुछ भी है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, शो योर स्ट्रेंथ है, इम्प्रूव्ड है ये, यानी पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन तो पहले भी है, PSO मॉडल ऑलरेडी है, ये क्या है, PSO को इम्प्रूव किया, ये स्पेशलिटी है, ठीक है. सोलर चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूजिंग सोलर फोटो, ए क्रिटिकल रिव्यू, शो योर स्पेशलिटी. सोलो फोटोवोल्टाइक, ये स्पेशलिटी है. एनालिसिस डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ मल्टीपल पैरेलल ओजोन चैम्बर बाय हाई फ्लो रेट, ठीक है जी. तो इस तरीके से पुअर एग्जाम्पल क्या है, डिजाइन ऑफ पार्टिकल फॉर्म ऑप्टिमाइजेशन बेस MPPT. इसमें खास क्या है, पार्टिकल फॉर्म ऑलरेडी है, टू डायोड मॉडल फॉर फोटोवोल्टिक मॉडल,
2 GML डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन मल्टीपल पैरेलल हो, उन्हीं को फिर वो थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, इस तरह की चीजें नहीं करनी बल्कि अच्छा उसके एब्स्ट्रैक्ट है। व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट? एब्स्ट्रैक्ट इन एब्स्ट्रैक्ट अप्रोक्सीमेटली 150 टू 250 वर्ड्स यू नीड टू समराइज योर कंट्रीब्यूशन आइडिया फाइंडिंग रिजल्ट्स एंड डिस्क्राइब द इम्प्लीकेशन ऑफ फाइंडिंग। क्या क्या चीजें हैं कि इसके अंदर कंट्रीब्यूशन क्या है, आइडिया क्या है, फाइंडिंग क्या है और इम्प्लीकेशन। ए पावरफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर आर्टिकल। क्वेश्चन है जी, इट इज माइक्रो माइक्रोकॉसम ऑफ द फुल आर्टिकल। Currently written, it can be contain a complete description of your research. आपकी रिसर्च की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। इट इज द फर्स्ट इंप्रेशन। इट डिसाइड वेदर द आर्टिकल पर्टेन टू द रीडर इन फर्स्ट एंड मेड द एंट्री पॉइंट टू गेट इन टू द रिव्यू सिस्टम। ये खास बात इसमें क्या है, एंट्री पॉइंट है ये, एंटर होने के लिए किसमें, रिव्यू सिस्टम। अगर आपका एब्स्ट्रैक्ट अच्छा नहीं है ना तो वो आपको रिव्यू का मौका भी नहीं देता। जो एडिटर है ना वहीं से कह देता है जी ये हमारे इंटरेस्ट की चीज नहीं है, या कहते हैं जी कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो बगैर रिव्यू करवाई आपको सलाम अलैकुम कह देता है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट जो है वो क्या होता है, फर्स्ट फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। इसी तरीके से जो रीडर्स हैं उनको भी अट्रैक्ट नहीं करता तो वो पेपर पढ़ते ही नहीं है, अगर एब्स्ट्रैक्ट अच्छा उसको लगेगा तो फिर वो पेपर को रीड करता है, फिर वो उसको साइट करेगा, पढ़ेगा तो साइड करेगा, ना पढ़ेगा ही नहीं तो साइड भी नहीं करेगा। अच्छा जी, एब्स्ट्रैक्ट के फीचर्स क्या हैं? सिंगल पैराग्राफ होता है, सेल्फ कंटेंड होता है। सेल्फ कंटेंड का मतलब यह है इसमें रेफरेंस नहीं किया जाता, जैसा कि आप जानते हैं इस तरह के काम नहीं होते, रेफर नहीं करना, सेल्फ इंडिपेंडेंट होता है, ये सारी चीजें वहीं बताई जाती है, और विदाउट एब्रीविएशन फुट नोट्स और रेफरेंस, रेफरेंस रेफरेंस इसके अंदर नहीं होते, फुट नोट्स नहीं होते। शुड नॉट कंटेन मैथमेटिकल इक्वेशन, इक्वेशन नहीं आएंगे, डायग्राम नहीं आएंगे, टेबुलर मटेरियल नहीं आएगा। देर आर फोर डिफरेंट कीवर्ड और फ्रेजेस एज दिस विल हेल्प रीडर टू फाइंड इट। थ्री आर फोर डिफरेंट कीवर्ड और फ्रेजेस एज दिस विल हेल्प रीडर टू फाइंड इट। Reader well and is grammatically correct. Read well, इन इसकी grammatically जो है ना उसके अंदर error ना हो। Abstract के अंदर खास चीज ख्याल रखें कि इसके अंदर grammatical errors ना हो। Abstract के important element क्या है? Abstract लिखते क्या होना चाहिए उसके अंदर? Primary objective होना चाहिए। Primary objective के क्या achieve करेंगे? हाईलाइट द मेरिट ऑफ कंट्रीब्यूशन, मेरिट को या कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट करें। आइडिया दें कि आपने इसको कैसे किया, मेथडोलॉजी। डिस्क्राइब रिसर्च डिजाइन एंड प्रोसीजर प्रोसेस एम्प्लॉयड, इज इट सिमुलेशन, इज इट एक्सपेरिमेंटल, इज इट सर्वे, इज इट केस स्टडी, जो भी आपका मॉडल है प्रोसीजर प्रोसेस है वो बताएं। मेन आउटकम ऑफ रिजल्ट एंड कंक्लूजन दैट माइट बी ड्रॉन, जो भी इसकी आउटकम आई जो कंक्लूजन है वो बताएं। फिर इस रिसर्च की इम्प्लीकेशन क्या है, इम्प्लीकेशन की ये किसके लिए बेनिफिशियल होगा। ये इम्प्लीकेशन वाली हमारी बार दफा हम लोग इतना ज्यादा फोकस नहीं करते, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिकल वालों में क्योंकि अप्लाइड काम ज्यादा होता है फिर वो इम्प्लीकेशन पे भी जोर देते हैं। हमारा भी अगर इम्प्लीकेशन है तो आप जरूर लिखें कि जनाब इससे जो है रिक्वायरमेंट इंजीनियर्स को फायदा होगा, एनालिसिस वालों को फायदा होगा, फलां को फायदा होगा, फलां को फायदा होगा। ये पहला सेक्शन खत्म हुआ, इसको कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा लेट ही थे हम लोग।